हेलो किड्स, वेलकम टू क्लासिक साइंस सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर 6, चेंजेस अराउंड अस। सो मजा आ रहा है ना? कैसे कैसे वी आर स्टडीइंग अबाउट चेंजेस, कि ये ऑल दीज थिंग्स वी सी डेली इन आवर लाइफ। हमारे डेली रूटीन में हम लोग बहुत चीजें देखते हैं, बट नाउ यू आर लर्निंग कि कैसे वी कैन से दीज आर द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, और कैसे यू कैन ऑल्सो योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि हाउ टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, कि कौन सी चीज यू कैन गेट बैक, कौन सी चीज यू कैन नॉट गेट बैक, और क्या किस वे में यू यूज इट सो डेट यू कैन गेट इट बैक। तो ये सब गेट इट बैक, कैन नॉट गेट बैक, तो ये हमारा टर्म अब हम लोग क्या सीखा है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। मूविंग फर्दर विद द चैप्टर, नाउ आज हम लोग जैसा पहले सेशन में करा था कि हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सेकेंड पार्ट। वो सेकेंड पार्ट किस चीज का है, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। तो व्हाट आर द अदर वेज टू ब्रिंग द चेंज। सो पहले इन द प्रीवियस सेशन व्हाट हैव वी लर्न, कि वी हैव टेकन सम क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड वी हैव सीन दैट इट गेट रिड्यूस एज वी हीट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देन उसके साथ हमने ये चीज भी सीखी थी कि व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंजेस टू वेपर्स। तो बिकॉज अवर टॉपिक इज चेंजेस अराउंड अस, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर इज गेटिंग चेंज टू वेपर्स। ठीक है, नाउ व्हेन वेपर्स आर कूल्ड अगेन दे कैन बी चेंज टू वॉटर। तो यहां पे अगेन यू आर सीइंग दिस वर्ड चेंज। तो व्हेन वेपर्स आर कूल्ड अगेन वी कैन गेट वॉटर। सो क्या हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वी कैन से दैट इट इज अ साइकिल। हम साइकिल की तरह भी यूज कर बोल वर्ड यूज कर सकते, लेकिन बिकॉज अभी हमारा टॉपिक चल रहा है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का, तो वी आर सेइंग दैट दिस चेंज इज रिवर्सिबल बिकॉज वी कैन गेट बैक द वॉटर। द चेंज इज रिवर्सिबल और वी कैन से रिवर्सिबल चेंज। Moving further, now we are doing one experiment with candle. क्या है, हमने candle ली है and now before lighting the candle, उसको जलाने से पहले measure the length of the candle. ये कितनी length है इसकी, ठीक है। Now you burn the candle for some time, थोड़ी देर के लिए जलाए, उसके बाद अगेन मेजर द साइज। थोड़ी देर जलाएं, उसको बुझाएं एंड मेजर द साइज। व्हाट डू यू थिंक, कम होगा ना? सो कैन द चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड, बताएं क्या उसकी लेंथ को आप और फिर वापस ला सकते हैं? जस्ट थिंक, यस और नो? नो, यस, इट कैन नॉट बी, वी कैन नॉट गेट बैक द लेंथ ऑफ द कैंडल बैक। हम वो लेंथ नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब कैंडल किससे बनती है, वैक्स से बनती है ना। नाउ इफ यू टेक ओनली वैक्स, वैक्स को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वी आर हीटिंग इट अप। हमने जब हम वैक्स, प्लेन वैक्स ली, उसको हीट कर रहे, तो क्या होगा, इट विल मेल्ट डाउन। तो वैक्स को जब, व्हेन वी आर हीटिंग अप, क्या होगा, इट विल मेल्ट। तो हम मेल्ट मीन्स वैक्स, यहां पे क्या है, इट इज सॉलिड। Now melt होके it will change to liquid form. Now the question arises, can this change be reversed? ये जो liquid wax है, can we get back the solid wax again?
क्या सोचते हैं आप? यस और नो? यस या बिल्कुल ठीक है, यस वी कैन गेट बैक. कैसे, क्या होता है? आप घर में कैंडल यूज करते हैं? वैसे नहीं तो बर्थडे वर्डे में तो करते हैं, वैक्स नीचे गिर जाता है, उस समय थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड होता है और आफ्टर सम टाइम वो सॉलिडिफाई हो जाता है. तो व्हेन मेल्टेड वैक्स, ये जो मेल्टेड वैक्स है इसको इफ वी क्या करें, कूल डाउन, वी कैन गेट बैक द वैक्स द सॉलिड फॉर्म अगेन. दिस इज लिक्विड. मिल गया ना वापस? तो सी, वैक्स से अगर हमने कोई शेप दी है एंड देन वी आर यूजिंग, वी कैनॉट गेट बैक द शेप अगेन, तो डेट इज इरिवर्सिबल. बट इन दिस इट इज द ओरिजिनल सिंपल वैक्स विदाउट एनी शेप, इट द पीस डेट वी हैव टेकन, हा, तो वी कैन गेट बैक द वैक्स अगेन बैक. है या नहीं है? सो बट बाय वही हमने जो सीखा है, हीट करने पे द थिंग्स आर एक्सपेंडिंग चेंजिंग इन डिफरेंट फॉर्म, कूल करने पे इट इज गेटिंग बैक. बर्न द इंसेंस स्टिक कंप्लीटली. इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती. ठीक है? और उसको पूरा आप यूज कर लीजिए. हम जलाते हैं, पूजा में जलाते हैं. Now, what you are going to get? वो पूरा बर्न हो गया, लेकिन नीचे आपको क्या मिलता है? You get some ash, and when it was burning, it was in gases. उसका आपने धुआं उड़ता देखा है. ठीक है? Some new materials, ash and gases is produced. ठीक है? Now tell, can this change be reversed? वो जो ऐश आपको मिली है उससे कैन यू मेक डेट इंसेंस स्टिक द अगरबत्ती अगेन? यस और नो? नो, है ना? यू कैन नॉट गेट बैक. आपको अगरबत्ती वापस नहीं मिल सकती. नाउ वन मोर एक्सपेरिमेंट. यू बर्न द मैच स्टिक मीन्स माचिस. माचिस की तीली एक है, माचिस लीजिए, उसकी एक तीली लेके उसको बर्न करिए. ठीक है? एंड ऑब्जर्व द चेंजेस. क्या आप, व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा? मैच स्टिक के साइज में रिड्यूस हुआ? नो, बट यू कैन नॉट यूज दैट मैच स्टिक अगेन. इंसेंस स्टिक में क्या करा था, जो हमारा था, size get reduced, size is reduced. Also you cannot reverse the change. Match stick mein size jo tha it remains the same, though the size is same but you cannot use that match stick again. Can we conclude? तो हमारा कंक्लूजन है कि इंसेंस स्टिक साइज गेट रिड्यूस एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवर्स द चेंज. तो ये जैसा मैं आपको पहले बता रही थी कि देयर इज अ रिडक्शन इन द साइज एंड आल्सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवर्स द चेंज, या हम इस चेंज को कह सकते हैं इरिवर्सिबल. वी कैन से दिस टू बी इरिवर्सिबल चेंज. मैच स्टिक में दो द साइज डिडंट गेट रिड्यूस, साइज डिडंट गेट रिड्यूस एंड इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू यूज द सेम स्टिक अगेन. सो जरूरी नहीं है कि इफ देर इज अ रिडक्शन इन साइज वी कैन नॉट यूज द थिंग. Even though the size remains the same, but then also there are some changes which are
irreversible, means we cannot reverse the change. तो इसके लिए भी हम क्या कहेंगे, matchstick का भी irreversible change. So in this जो change है, we have focused on the size of the thing. कि when the size was getting reduced or the size was not getting reduced, in both cases the changes were irreversible. So what did we learn today? Today we learned in this session some different changes, जिसमें हमने ये देखा कि some changes are reversible, some are not reversible. In the these last two sessions with the same thing, अगर एक प्रोसेस से हम कर रहे हैं, द थिंग कैन बी रिवर्स्ड, बट इफ यू आर नॉट डूइंग विद दैट प्रोसेस, वी आर टेकिंग अदर प्रोसेस, द चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स या द चेंजेस कैन बी रिवर्स. सो ये हमने देखा, बट इट डिपेंड ऑन कि कैसे हम उस चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या अपने रूटीन में भी वी आर यूजिंग. सो दीज थिंग्स वी हैव लर्न. और उसके साथ एक बार जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि व्हेन वी आर हीटिंग एनीथिंग देन द थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंडेड, बट व्हेन वी कूल डाउन द थिंग्स कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर. सो दिस वॉज द लर्निंग फॉर अस टूडे. इन द नेक्स्ट सेशन something more from the same chapter we are going to discuss, but that I will take in the next session. Till then thoda revision aap bhi kariye. Okay, we are going to meet with some more topic from the same chapter. Till then take care, bye.